भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप बनाने के लिए IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने हाथ मिलाया है। भारत तेजी से रेलवे को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब हाइपर स्पीड बुलेट ट्रेन के बाद भारत का ध्यान अब स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की ओर गया है। हम इस विषय पर आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने आपसी सहयोग का ऐलान किया है, जिसके तहत ये भारत के पहले स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने का कार्य करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में शुमार भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग के साथ इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। जल्द ही गवर्नमेंट इस पर 8.4 करोड़ रुपये खर्च करती नजर आएगी। IIT मद्रास को इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय रेलवे से जो फंडिंग मिलेगी वो देखा जाए तो देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल को मजबूती प्रदान करेगी। हाइपरलूप को आप भविष्य की परिवहन तकनीक के रूप में देख सकते हैं, जिसको लेकर दुनिया भर में तेजी से काम चल रहा है। अगर पारंपरिक रेलवे सिस्टम में तुलना की जाए तो हाइपरलूप इससे 2 महीनों में अलग है। पहला, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए ट्यूब या सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सुरंगों में घर्षण कम करने के लिए अधिकांश हवा को हटाते हुए लगभग वैक्यूम जैसे हालात पैदा किए जाते हैं, जिसके चलते इन सुरंगों में गाड़ी की रफ्तार 750 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। दूसरा अंतर यह है कि पारंपरिक ट्रेनों से अलग इन हाइपरलूप ट्रेनों में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहियों की बजाय इन पोर्ट्स में मैग्नेटिक एलिवेशन का इस्तेमाल होता है, जिससे हवा में तैरते नजर आते हैं। इसके जरिए तेजी से बढ़ते शहरों में ट्रैफिक जैसी समस्याओं को भी दूर करते हुए शहरों के बीचों बीच ऐसी सुविधाएं और भी दे सकती हैं। दुनिया भर में बात की जाए तो टेस्ला के CEO एलन मस्क ने अगस्त 2013 में अपना हाइपरलूप अल्फा नाम से पेपर प्रकाशित करते हुए इस तकनीक में रुचि दिखाई थी। वहीं ईयर 2020 में वर्जिन हाइपरलूप ने दावा किया कि उसने पहली बार मानव यात्रियों के साथ अपनी अल्ट्रा फास्ट परिवहन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और इसी बीच भारत में बात की जाए तो इसको लेकर रेलवे की ओर से कहा गया है कि 2017 में IIT मद्रास में बनी आविष्कार हाइपरलूप नामक 70 छात्रों की टीम हाइपरलूप तकनीक के वास्तविक रूप देने की दिशा में काम कर रही है। यह इकलौती एशियाई टीम रही है जिसने SpaceX हाइपरलूप पोर्ड कॉम्पिटिशन 2019 में टॉप 10 में जगह बनाई थी।